हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। आ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंडियन आर्मी पर। ये वीडियो इंडियन आर्मी को डेडिकेट है। इस इंडिपेंडेंस मैं दिल से सल्यूट करती हूँ इंडियन आर्मी को। दोस्तों, भारतीय सेना पर हर भारतीय को गर्व है, और हो भी क्यों ना। ये भारतीय सेना तो ही है जो हमारे भारत को दुश्मनों से दूर रखती है। भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेलकर हमारे वतन को सुरक्षित रखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हमारी भारतीय सेना हर पल हमारी देश की सीमा की सुरक्षा करती है। भारतीय सैनिक लड़ता है इसलिए नहीं कि वो सामने वाले से नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि वो अपने पीछे वाले से प्यार करता है। भारतीय सेना देश की सीमा पर दिन रात तैनात है ताकि आप देश के अंदर अच्छे से रह सकें। भारतीय सेना के सैनिक अपनी इच्छाओं का त्याग करके घर परिवार रिश्तेदार गांव को छोड़कर बिना किसी दुख की चिंता किए देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। इंडियन आर्मी का नाम ही काफ़ी है, हर हिंदुस्तानी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हम चैन से सो पा रहे हैं क्योंकि कोई जाग कर देश की सेवा कर रहा है। दोस्तों, भारतीय सेना पर हर भारतीयों को गर्व है, और होना भी क्यों ना चाहिए। ये भारतीय सेना ही तो है जो भारत को दुश्मनों से दूर रखती है। जी हाँ, भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए पूरी रात जागते हैं। सर्दी गर्मी की चिंता किए बगैर दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं। भारतीय सेना देशभक्ति की एक सच्ची मिसाइल है जो अपनी प्राणों की परवाह किए बगैर देश की सीमा पर खड़े रहते हैं। जरूरी नहीं जो सारी रात जागता वो आशिक ही हो, हो सकता हो अपने देश के लिए मर मिटने वाला सिपाही हो। इंडियन आर्मी ने हमारे कल को सुरक्षित रखने के लिए अपना आज खतरे में डाल दिया। हमारा देश स्वतंत्रता को बनाए रखने में सक्षम है तो ये सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से। इंडियन आर्मी अपनी मातृभूमि और नागरिकों की सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी सेना सीमा पर अपनी ड्यूटी करने से दूर नहीं रह सकती। हमें उनके प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर हम देश की स्वतंत्रता का आनंद ले पा रहे हैं, अपने देश में सुरक्षित हैं, तो यह केवल ग्रेट इंडियन आर्मी की वजह से। आज हम अपनी महिला सैनिकों को देख रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक बात है क्योंकि इससे हमें देशभक्ति और महिला शक्ति का एहसास होता है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसके पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। आपने लेंग वाला लड़ाई के बारे में सुना ही होगा जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जहां एक तरफ 2000 पाकिस्तानी सैनिक थे, वहीं दूसरी तरफ 120 भारतीय सैनिक थे। हमारी भारतीय सेना के पास ना के बराबर हथियार थे, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना जिनके पास हथियार की कोई कमी नहीं थी। हत्या ना होने के बावजूद भारतीय सेना ने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, मैदानी यह जंग पूरी रात डटे रहे जब तक वायुसेना उनकी मदद के लिए नहीं आ गई और दुश्मनों को उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। इसी लड़ाई से प्रभावित होकर बॉर्डर फिल्म बनाई गई। यदि कोई व्यक्ति कहे उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा होगा या तो वह भारतीय सैनिक होगा। कारगिल युद्ध के हीरो विक्रम बत्रा के बारे में आपने सुना ही होगा, ये भारतीय सेना के शेरशाह कहे जाते थे। ये भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, कारगिल युद्ध में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। विक्रम बत्रा से प्रभावित होकर लक्ष्य मूवी बनाई गई। कारगिल युद्ध में 7 जुलाई 99 को ये वीर गति को प्राप्त हो गए। विक्रम जी ने अपने पिता से एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, या तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। वास्तव में दुनिया भर के देश हैं जो अपनी आर्मी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे देश में आर्मी को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है जितना वो डिज़र्व करते हैं। हमारी गवर्नमेंट को उनकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि किसी घर का चिराग ना बुझ सके। हम देश से और देश हमसे है, जैसे हमारे ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म हमेशा चमकती रहती है, अगर हम खुद को चेंज कर लें तो हमारा देश भी वैसे ही चमकेगा। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया, मेरी नन्ही सी चिड़ियों को चहकता छोड़ाया, मुझे छाती से अपनी तू लगा ले ऐ भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया। दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्पेशली डेडिकेट की है ऑल इंडियन आर्मी फ्रेंड्स को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे वीडियोस लाइक एंड शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियोस मेरे लाइक एंड शेयर करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी।
और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।